प्यारो कैसे हो प्यारो, तो अपनी प्रेडिक्शन को पता नहीं क्या हो रहा है क्योंकि गलत हो ही जा रही है। दो मैच हम गलत प्रेडिक्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज के मैच में क्या पता सही हो जाए, क्योंकि आज का मैच है राजस्थान और केकेआर के बीच में। और वही तीन चीज़ों के बारे में बताऊँगा, पिच रिपोर्ट, फाइनल प्लेइंग 11 और प्रेडिक्शन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब चलो पिच रिपोर्ट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पिच रिपोर्ट तो मैंने आपको बताया है, ये दुबई में मैच है और दुबई का पिच रिपोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ MI और RCB के वीडियो में। तो वहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज स्कोर है 161 का और सेकेंड इनिंग्स में है 156 का। मतलब यहाँ फर्स्ट बैटिंग विकेट है, आप टॉस जीत के आराम से बैटिंग करके मैच जीत सकते हो। और यही PSL और IPL जो भी अब तक मैचेस हुए हैं उसकी हिस्ट्री यही बताती है। तो चलो मैं आपको प्लेइंग 11 बताती हूँ। तो प्लेइंग 11 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं KKR से। तो KKR के आप देख ही रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर प्लेइंग 11 आ चुकी है और आप देखोगे कि कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट मैच अपना KKR लास्ट मैच जीत के आई है, इसलिए वो ज़्यादा चेंजेस मतलब टीम में चेंज नहीं करेगी। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान की भी अब आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और आप यहाँ पर फिर से देखोगे कि यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान अब तक एक मैच नहीं आ रही है और लास्ट वाला तो बहुत अच्छे मतलब इतना हाई रन चेस स्कोर करा है, इसलिए कोई चेंज नहीं होएगा और दोनों टीम्स अनचेंज रहेगी और अब पता नहीं कौन जीतेगा, वही मैं आपको बताता हूँ प्रेडिक्शन में। चलो प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्रेडिक्शन ये यहाँ पर दो बेसिस पे होगी, वो है बॉलिंग और मिडल ऑर्डर। तो मिडल ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे और बॉलिंग डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन मैच जीत सकते हैं। क्योंकि और टॉप ऑर्डर नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि दोनों का सेम ही है। अब मिडल ऑर्डर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। KKR के पास है नितिश राणा, ओयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, एंड्रे रसल, तो ये इनके मिडल ऑर्डर में बैट्समैन है। और उसके बाद राजस्थान के संजू सैमसन, राहुल तेवतिया, रॉबिन थप्पा और रियान पराग। तो यहाँ मिडल ऑर्डर में अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा आगे है KKR का मिडल ऑर्डर, थोड़ा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। इधर रियान पराग है, संजू सैमसन है, तेवतिया है, इधर थोड़े कम है, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये भी फॉर्म में है, फिर भी KKR का थोड़ा आगे है। इसके बाद बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर मतलब बॉलिंग। तो बॉलिंग में KKR के पास है पैट कमिंस और नागर कोटी है, सुनील नारायण, शिवम मावी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद राजस्थान की बात करते हैं, उनके पास है टॉम करन, जॉफ्रा आर्चर, जयदेव नक्कत, श्रेयस गोपाल और राहुल तेवतिया जो लेग स्पिन कराते हैं। तो अब यहाँ पर भी बॉलिंग कंपेयर करें तो यहाँ पर भी KKR आगे चल रही है। यहाँ पर भी सेम पॉइंट है कि यहाँ पर थोड़े ऐसे एक मतलब बॉलर्स है जो अभी फॉर्म में है, और यहाँ पर जो बॉलर्स है जैसे टॉम करन जो इतने फॉर्म में नहीं है, जयदेव नक्कत फॉर्म में नहीं है, श्रेयस गोपाल फॉर्म में इतने नहीं चल रहे, तेवतिया का बैटिंग में मैं कह सकता हूँ बॉलिंग में नहीं, तो यहाँ पर भी KKR आ गए हैं। वो अगर KKR में देखिए किसके पास फॉर्म है, नागर कोटी के पास फॉर्म है, कमिंस के पास फॉर्म है, सुनील नारायण इतने नहीं चल रहे अभी लेकिन वो ऑप्शन है, और शिवम मावी के पास फॉर्म है, और कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों एक दो विकेट्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर KKR की बॉलिंग भी ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये मैच KKR को जीतना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी लाइक कर देना, आपको ज़्यादा अच्छी लगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।